नमन करती हूँ द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच को। साथ ही मैं इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं फिर से अपने सुविचार के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो इस प्रकार है, शिक्षा हमारे सबसे अच्छी मित्र होती है। तो आइए हम अपने मित्र के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं और अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम के अंतर्गत उत्सर्जन प्रक्रिया के बारे में चर्चा की थी, जिसके तहत हमने उत्सर्जन की परिभाषा, विभिन्न उत्सर्जी पदार्थ और मनुष्य के उत्सर्जन अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। नेफ्रॉन मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसको यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स या वृक्क नलिका भी कहते हैं। यह नली के समान लंबी कुंडलित संरचना होती है, जिसका प्रारंभ एक प्याले नुमा संरचना से होता है, जिसको बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। इस चित्र में देखें, यहाँ जो प्याले नुमा संरचना दिखाई पड़ रही है, यह बोमन्स कैप्सूल कहलाती है, जिसके अंदर कोशिकाओं का, रक्त केशिकाओं का एक महीन जाल होता है, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल मिलकर मैल्पिगियन कैप्सूल का निर्माण करते हैं। वृक्क नलिका में एक समीपस्थ कुंडलित भाग और एक दूरस्थ कुंडलित भाग होता है। समीपस्थ कुंडलित भाग आगे की ओर या अवरोही चाप डिसेंडिंग लूप में बदल जाता है, उसी तरह दूरस्थ कुंडलित भाग नीचे की ओर एक एसेंडिंग लूप यानी अधिरोही चाप से जुड़ा हुआ होता है। अवरोही चाप और अधिरोही चाप के बीच एक विशेष भाग होता है, जिसको लूप ऑफ हेनले या हेनले का चाप कहते हैं। यहाँ यह जो पतली संरचना दिखाई पड़ती है, यह लूप ऑफ हेनले या हेनले का चाप कहलाती है। अधिरोही चाप एसेंडिंग जो भाग होता है इसका, एसेंडिंग लूप मिलकर आगे की ओर जब यह बढ़ता है तो एक संग्राहक नलिका में खुलता है। संग्राहक नलिका में बहुत सारे अधिरोही चाप आकर खुलते हैं और इस तरह से कई संग्राहक नलिका एक सामान्य संग्राहक नलिका कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है और वह संग्राहक सामान्य संग्राहक नलिका मूत्रवाहिनी में जाकर जुड़ जाता है। मूत्रवाहिनी से यह जुड़ा होता है। इस तरह से नेफ्रॉन की संरचना पूर्ण होती है। अब वृक्क के कार्य क्या हैं? तो वृक्क का प्रमुख कार्य है रक्त का फिल्ट्रेशन और मूत्र का निर्माण। रक्त के फिल्ट्रेशन और मूत्र के निर्माण में तीन अवस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं। यह जो क्रिया है, यह तीन चरणों में, तीन अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर पुनरावशोषण और तीसरा ट्यूबुलर श्रवण। पहले हम जानेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का कार्य ग्लोमेरुलस के अंदर यह होता है। यह जो ग्लोमेरुलस है, रक्त केशिकाओं का महीन जाल, एक छन्ना पत्र की तरह कार्य करता है। इसमें अपवाही धमनिका एफरेंट आर्टेरियोल रक्त लेकर प्रवेश करती है। एफरेंट आर्टेरियोल का व्यास अधिक होता है, अर्थात यह चौड़ी नलिका होती है। इसी ग्लोमेरुलस में रक्त को छानने की क्रिया होती है और छानने के बाद रक्त अभिवाही धमनिका इफरेंट आर्टेरियोल से बाहर निकल जाता है। ग्लोमेरुलस में बहुत सारे पदार्थ
छनते हैं, जैसे लवण, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ। यहाँ चूंकि अभिवाही धमनी यह जो है इस रक्त लेकर प्रवेश करती है या मोटी होती है, अर्थात इससे रक्त का अधिक मात्रा, रक्त की जो अधिक मात्रा अभिवाही धमनिका से ग्लोमेरुलस में प्रवेश करती है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस के अंदर बोमेंस कैप्सूल की दीवार पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है और छानने की क्रिया उच्च दाब पर संपन्न होती है। तो ग्लोमेरुलस के अंदर उच्च दाब पर रक्त को छानने की क्रिया वह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। प्लाज्मा प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं ग्लोमेरुलस की दीवार के लिए, वुमेन्स कैप्सूल की दीवार के लिए अपारगम्य होते हैं, अतः यह छन नहीं पाते हैं। छने हुए पदार्थ अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाते हैं। अब इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है वृक्क के कार्य का, जो है ट्यूब्युलर पुनरावशोषण। अब जो फिल्ट्रेट हैं वह वृक्क नलिका से होकर गुजरते हैं। वृक्क नलिका की जो कोशिकाएं हैं वे फिल्ट्रेट से आवश्यक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, जिसमें ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है, जल का अवशोषण हो जाता है, और इसके बाद जो पदार्थ बच जाते हैं वह फिल्ट्रेट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसी नलिका में, नलिका की कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन भी उस फिल्ट्रेट के अंदर होता है। अब इस फिल्ट्रेट को हम यूरिन या मूत्र कहते हैं। मूत्र में जल, यूरिया और सोडियम क्लोराइड उपस्थित होते हैं। एक मनुष्य अगर 24 आवर्स में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन का सेवन अपने भोजन में करता है, तब उसके मूत्र में जल की मात्रा 96%, ठोस पदार्थ 4% और यूरिया तथा अन्य पदार्थ 2-2% होते हैं। तो मूत्र जो है वह यूरिया से निर्मित होता है, इसमें यूरिया की उपस्थिति होती है और यह हमारा उत्सर्जी पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आज के लिए इतना ही, आगे अब अगले वीडियो में।